पानी पीने के बहाने आए आरोपियों ने किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। मऊगंज जिले में 16 साल की नाबालिग से गैंगरेप का मामला। तीन युवकों की दरिंदगी, शोर मचाने पर दी गोली मारने की धमकी। बता दें कि मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र में 16 साल की किशोरी के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। यहां घर के बाहर भैंस का चारा दे रही किशोरी को तीन युवकों ने अगवा कर लिया और फिर एक घर के भीतर बंधक बनाकर उसके साथ बारी बारी से दरिंदगी की गई। पीड़िता किशोरी की माने तो घटना के दौरान विरोध करने पर आरोपियों ने उसे गोली मारने की धमकी दी, शांत करा दिया और बाद में उसके परिजनों की आवाज़ सुन मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित किशोरी अपनी मां सहित परिजनों के साथ नईगढ़ी थाना पहुंची और पुलिस को आप बीती सुनाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने फिलहाल पीड़िता किशोरी की शिकायत पर तीन नामजद आरोपी नीरज विश्वकर्मा, मनीष तिवारी एवं बड़कू साकेत के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है, जो फिलहाल अभी फरार बताए जा रहे हैं। दरअसल ये पूरी घटना बीते दिवस नईगढ़ी थाना के शाहपुर की है। आपको बता दें कि घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 16 वर्षीय किशोरी दोपहर के वक्त घर के बाहर भैंस को चारा दे रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले युवक और उसके तीन दोस्त आए और पानी मांगने के बहाने उसे जबरन पड़ोस के घर में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया है। पीड़ित किशोरी के मुताबिक घटना के वक्त उसने शोर मचाने का प्रयास भी किया, जिस पर आरोपियों ने गोली मारने की धमकी देकर शांत करा दिया था। इधर घटना के बीच ही किशोरी के परिजनों की आवाज़ सुन आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि आरोपियों ने गैंगरेप की इस घटना को दिन दहाड़े घर के भीतर बंधक बनाकर अंजाम दिया है। पुलिस ने फिलहाल मामले में उक्त तीनों नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।